हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एग फ्राइड राइस बनाएंगे या अंडा राइस बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर अंडा ले लिया है, थोड़े से पत्ता गोभी को काट लिया है, प्याज लिया है, लहसुन लिया है, गाजर लिया है, कैप्सिकम लिया है और बीन्स लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से चावल को उबाल के रख लिया है। तो चलिए, हमारा एग फ्राइड राइस या अंडा फ्राइड राइस बनाते हैं। अंडा राइस बनाने के लिए पहले हम अंडे का भुर्जी बना लेंगे। तो देखिए, कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल लिया है। अभी अंडे को डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे। नॉर्मल हम जैसे भुर्जी बनाते हैं वैसे ही भुर्जी बनाएंगे। उसको ऐसे चला लेंगे। फ्लेम को हाई में ही रखेंगे हम। देखिए, हमारा अंडा भुर्जी बन गया है। इसको थोड़े ऐसे कट कर लेंगे, ज्यादा छोटे पीस नहीं करेंगे। अभी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अंडे को निकाल लिया है। देखिए, फिर से मैंने तेल डाल दिया है। अभी इसमें हमने जो चॉप करके लहसुन रखे थे उसको डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद उसमें प्याज कुट भी डाल देंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा चला लेना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम अभी गाजर डाल देंगे, कैप्सिकम डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे। फिर उसके बाद हम पत्ता गोभी और बीन्स को डालेंगे। गाजर और कैप्सिकम डालते हुए 2 मिनट हो गया, इसमें अभी बीन्स डाल देंगे। बीन्स को भी 1 से 2 मिनट चला लेंगे। अभी इसमें हम पत्ता गोभी डाल देंगे। तो सारे सब्जियों को थोड़ा सा भून लेंगे। इसको ज्यादा नहीं पकाना है। देखिए, सब्जियां हमारा थोड़े थोड़े पक गए हैं। अभी इसको फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसमें हमने जो उबले हुए चावल रखे थे इसको डाल देंगे। चावल को डालने के बाद इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल देंगे, मिला लेंगे। इसमें हम अंडा भुर्जी को डाल देंगे। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अभी हाई फ्लेम में हम सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है। इसको हमने हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट भी बिठा लिया है। अभी मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको सॉफ्ट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारा एग फ्राइड राइस बन के तैयार है। आपने देखा इसको हमने कितना जल्दी बना लिया। अगर हमारे घर में बचे हुए चावल है तो इससे और भी जल्दी बन सकता है। तो आप इसको घर पर एक बार जरूर बनाइए और आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताना मत भूलिए। थैंक यू।